आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कुक अप ए स्टॉर्म। मूवी की शुरुआत में हम गांव नाम के एक स्ट्रीट शेफ को देखते हैं जो कि बेहद लजीज खाना बनाता है और उसका एक छोटा सा रेस्टो है जिसमें वो अपने कस्टमर्स के लिए नई नई तरह की डिशेस बनाता है और अपने रेस्टो में जरूरत से ज्यादा साफ सफाई रखता है और साथ ही वो अपने प्रोफेशन से बेहद प्यार करता है। ये सब होने के बावजूद भी गांव के बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जो उसे हमेशा दुखी कर जाती हैं, क्योंकि उसके फादर भी एक रेस्टो चलाते थे। उन्होंने गांव को एक शेफ के पास छोड़ दिया ताकि गांव खाना बनाना सीख सके। इसी तरह गांव ने अपने बचपन अपने फादर के बिना ही गुजारा है, जिस वजह से वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब उसके फादर भी एक बहुत बड़े शेफ हैं जो कि अब बहुत रिच हो चुके हैं और एक मास्टर शेफ बन चुके हैं, और अब गांव अपने फादर से बात करना या मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसने अपना बचपन अपने फादर के बिना गुजारा है। गांव अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गांव के फादर को इस बात की बेहद खुशी थी कि किसी को ये नहीं पता है कि उनका एक बेटा भी है, जिस बात को सोचकर गांव और भी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके फादर उसे कभी अपना बेटा मानना ही नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर सीन बदलता है तो हम एक और शेफ को देखते हैं जो कि बेहद रिच और बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जो कि फ्रांस में रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता है। उस लड़के का नाम पॉल है और पॉल का ये ख्वाब होता है कि वो अपनी कंट्री यानी चीन में अपने फादर के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोले, इसलिए वो फ्रांस को छोड़कर अपनी कंट्री चीन में वापस आ जाता है। अपनी कंट्री में आकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी मछली दिखाओ, लेकिन फिश सेलर बड़ी फिश नहीं है ये कहकर मना कर देता है। तभी वहाँ पर गांव आता है और उस फिश सेलर से बड़ी मछली मांगता है, तो वो फिश सेलर उसे तुरंत बड़ी मछली निकाल कर दे देता है, जिस वजह से पॉल गांव की तरफ बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देखता है, जैसे कि वो इससे इस बात को लेकर जल रहा हो। फिर फिश सेलर इन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखकर वो फिश के दो टुकड़े कर देता है। इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से की नजरों से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम पॉल के एक बेहद ही खूबसूरत आलिशान रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी ओपनिंग आज ही होने वाली है। रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत और आलिशान था, इसमें हर चीज मॉडर्न थी और बहुत ही महंगी थी। यहाँ की डेकोरेशन बेहद आलिशान थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल का रेस्टोरेंट बिल्कुल गांव के रेस्टोरेंट के सामने है, इसी वजह से गांव के फ्रेंड्स डर जाते हैं कि ये रेस्टोरेंट इनके कस्टमर को छीन लेगा, और ऐसा होता भी है क्योंकि उस रेस्टोरेंट की सजावट को देखकर सभी कस्टमर उस रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और गांव के कस्टमर्स उस न्यू रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी गांव के फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करने के लिए एक डिस्काउंट ऑफर रखते हैं। ये डिस्काउंट ऑफर कस्टमर्स को फिर से गांव के खाने की तरफ उन्हें ले आता है और उस रेस्टोरेंट के कस्टमर गांव की तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से पॉल और गांव के दोस्तों के बीच में लड़ाई होने लगती है। पॉल के दोस्त गांव के दोस्तों से कहते हैं कि तुम्हें हमारी सक्सेस से जलन हो रही है, इसलिए तुम ये चीप ट्रिक अपना रहे हो। इस लड़ाई के अंत में ये फैसला होता है कि क्यों ना इन दोनों रेस्टोरेंट के शेफ के बीच में एक कॉम्पिटिशन रखा जाए, किस शेफ का टेस्ट बेहतर है वही ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। पहले तो पॉल और गांव एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों को फिश स्टोर पर हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है और दोनों इस कंपटीशन के जरिए एक दूसरे को सबक सिखाने का ठान लेते हैं, कंपटीशन करने के लिए हाँ कह देते हैं। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और एक टेबल के ऊपर बड़ी सी मछली रख दी जाती है, तो सबसे पहले पॉल को चांस दिया जाता है। वो अपने एक नायाब तरीके से फिश के अंदर से उसके कांटे बहुत जल्दी और यूनिक तरीके से निकाल रहा होता है, जो लोगों को बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद पॉल उस फिश को गांव की तरफ पास करता है, तो गांव उस फिश को अपने पुराने स्टाइल में काटता है, लेकिन जैसे ही फिश के टुकड़े हो जाते हैं वो उन टुकड़ों को बेहद शानदार तरीके से लोगों के सामने दिखाता है, क्योंकि फिश की शल्क पर बिल्कुल भी मांस यानी मीट नहीं बचता, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। दोनों का टैलेंट लोगों को बेहद पसंद आता है। उसी दौरान वहां पर कुकिंग कॉम्पिटिशन का चेयरमैन होता है और वो दोनों की कुकिंग स्टाइल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर दोनों अपने मन में सोचते हैं कि कैसे इन कॉम्पिटिशन को जीत कर सामने वाले को बताया जाए कि बेस्ट शेफ कौन है। इसी के चलते ये दोनों कंपटीशन के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद पॉल का इंटरव्यू होता है, तो पॉल उन्हें बताता है कि मैंने फ्रांस में भी कुकिंग की है और जब मैंने चीन आकर देखा तो यहाँ पर लोग अभी भी पुराने तरीके से कुकिंग कर रहे हैं। दरअसल वो इनडायरेक्टली गांव को ही टॉन्ट कर रहा होता है। पॉल की बात सुनकर गांव को बहुत गुस्सा आता है। तभी ये रिवील होता है कि इस कॉम्पिटिशन में पहले फुर्सत लेवल को पार करना होगा, तभी आगे के लेवल में एंट्री होगी और अगर इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं तो उन्हें मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा। ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के फादर ही थे। इसके बाद गांव के पास में पॉल की फ्रेंड आती है और वो गांव और उसकी फ्रेंड को अपने रेस्टो में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद गांव और उसके फ्रेंड उसके रेस्टो में खाना खाने जाते हैं। वहां पर पॉल तो खाना सर्व करने नहीं आता बल्कि पॉल की फीमेल फ्रेंड ही उन्हें खाना सर्व करने के लिए आती है। जब खाना सामने आता है तो दिखने में तो वो सिंपल एग और प्लांट पॉट की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही गांव और उसके दोस्त खाने को टेस्ट करते हैं तो बाकी खाने का टेस्ट बेहद ही अलग और
डिलीशियस था। तभी गाओ अपने मन में सोचता है कि पॉल की खाना बनाने की टेक्नोलॉजी वाकई में काफी एडवांस है। इसके बाद गाओ उस खाने को लेकर सीधा किचन में चला जाता है और वहां पर जाकर उस खाने को फेंक कर कहता है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, कि तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम्हारी डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है। इसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है तो पॉल उसे कहता है कि क्यों ना हम मांस को पकाने का कॉम्पिटिशन रखे। अब दोनों उस किचन में मांस पकाने लगते हैं। सबसे पहले गाओ मांस को पकाता है और अपने तरीके से बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत तरीके से उस मांस को पका लेता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बाद पॉल उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसी मांस को दूसरे तरीके से पकाकर दिखाता हूं। दोनों का टेस्ट और किसी भी तरीके से ये बिल्कुल अलग नहीं होगा। इसके बाद पॉल अपने मॉडर्न टेक्निक से बहुत ही अच्छे तरीके से मीट को पकाता है और जब मांस पक जाता है और वो भी बहुत कम समय में, तो गाओ उस डिश को चेक करता है तो उसे अपने और पॉल के पके हुए मांस में कोई अंतर नजर नहीं आता। इसके बाद गाओ को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वहां से चला जाता है। अब जैसे ही गाओ रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब उसे एक आदमी की कॉल आती है जो उससे कहता है कि गाओ के फादर उससे मिलना चाहते हैं। गाओ उनके पास मिलने जाता है और उनसे कहता है कि अब तुमने मुझे कॉल क्यों की है, जबकि आप तो दुनिया के सामने मुझे अपना बेटा मानने के लिए तैयार भी नहीं हो। इसके बाद गाओ के डैड उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरे नाम से जाने, कि तुम मेरे बेटे हो। अगर ऐसा होता तो तुम कभी भी इस चैंपियनशिप तक नहीं आ पाते। और साथ ही वो गाओ से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ। तो गाओ उन्हें टोंट भरे लहजे में कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है और जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने खुद को बचपन में अकेला पाया और अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही गाओ उन्हें ये भी कहता है कि अब मैं आपसे भी बड़ा शेफ बनकर दिखाऊंगा। जिस प्रोफेशन के लिए मुझे मेरा बचपन आपके बिना बिताना पड़ा अब मैं उस प्रोफेशन में बेस्ट वर्जन बनकर निकलूंगा, क्योंकि इसी प्रोफेशन ने कभी भी आपको मुझे अपनाने से रोका है। गाओ इतना कहकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अपने फादर की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद अगले ही दिन इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। कॉम्पिटिशन की तैयारी हो जाती है और कॉम्पिटिशन में पॉल और गाओ भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक को स्वीट्स बनानी होती है, दूसरे को नॉन वेज बनाना होता है। पॉल अपनी मॉडर्न टेक्निक से डिश को बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी बना लेता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। लेकिन गाओ जितना टाइम दिया होता है उसी टाइम में वो अपनी डिश को बहुत अच्छे तरीके से बना लेता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब डिश को पेश करने की बारी आती है। डिश को टेस्ट करने के बाद जजेस उन दोनों को सेम पॉइंट देते हैं, क्योंकि जजेस को उन दोनों की डिश में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता और उन्हें बहुत ही अच्छे पॉइंट भी मिलते हैं। जिसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिर इस कंपटीशन का विजेता कौन है, क्योंकि दोनों को पॉइंट सेम मिले हैं। तभी वहां पर कंफ्यूजन को ठीक करने के लिए एक जज स्टेज पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पॉल की डिश के साथ साथ उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए इस कॉम्पिटिशन को पॉल जीतता है। पॉल ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है और गाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उस कॉम्पिटिशन से निकलकर वो अपने घर या रेस्टोरेंट जाकर वीडियो गेम्स खेलने के लिए मॉल में चला जाता है और वहीं पर वो वीडियो गेम्स खेलता रहता है। तभी वहां पर गाओ के गार्जियन शेफ, जिनके साथ गाओ ने अपना पूरा बचपन गुजारा था, वो गाओ के पास आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि हार जीत तो लगी रहती है, क्या एक हार की वजह से आप पूरे तरीके से हार जाते हैं। पहले तो गाओ घर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन अपने गार्जियन शेफ की बात सुनने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मोटिवेट करते हुए वो कहते हैं कि अगर आज तुम्हारी हार हुई है, अगर तुम इस हार पर काम नहीं करोगे तो फिर तुम आगे कैसे जीतोगे। अगर तुम्हें आगे जीतने के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो तुम्हें घर तो जाना होगा। जिसके बाद गाओ अपने घर चला जाता है। इधर पॉल बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी जो फीमेल फ्रेंड है, क्या तुम उसे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दे सकते। तो पॉल उनसे कहता है कि मैं इस बात से डिनाय नहीं करता कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में कैसे ले जाने के लिए बोल सकता हूं, जबकि उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तभी पॉल की वही फीमेल फ्रेंड उसके पास दो कप में कुछ लेकर आती है और पॉल से कहती है कि जरा इनको टेस्ट करके बताओ कि इनमें से कौन सी नमक की डिश है और कौन सी डिश मीठी है, जिसे सुनने के बाद पॉल को बहुत अजीब लगता है। दरअसल यहाँ पर एक सच रिवील होता है कि पॉल के टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो अपनी डिश का टेस्ट नहीं बता सकता, इसलिए वो अपनी फीमेल फ्रेंड पर डिपेंड था। लेकिन अभी तक तो ये राज था, लेकिन अब उसकी ये दोस्त उसके साथ धोखा करके ये बात उसके उन दोस्तों को बता देती है। और साथ ही यहाँ पर एक और शॉकिंग सच सामने आता है, पॉल की फीमेल फ्रेंड उसके मेल फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी, ये बात वो उस दिन खुद एडमिट करती है। और साथ ही उसके दोस्त उसके सामने एविल प्लान रिवील करते हैं, वो सब पॉल के इस रेस्टोरेंट को बेचकर अपनी पूरी लाइफ आराम से बिताएंगे। और उसकी फीमेल फ्रेंड पॉल से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे सहारे इस कुकिंग कॉम्पिटिशन तक पहुँचना चाहती थी क्योंकि मैं खुद से कभी भी आगे नहीं जा सकती थी। ये सब सुनकर पॉल बुरी तरह से टूट जाता है और उन लोगों को बिना कुछ कहे ही वो रेस्टोरेंट छोड़कर बाहर चला जाता है। पॉल के दोस्तों ने जो उसे धोखा दिया, इस वजह से वो बाहर आकर शराब पीने लगता है। तभी वहां से एक गांव गुजर रहा होता है, पॉल को ऐसे देखकर वो उसके
पास आकर उससे कहता है कि पॉल तुम दुखी क्यों हो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत चुके हो। तभी पॉल उससे कहता है कि हाँ कॉम्पिटिशन तो जीत चुका हूँ, लेकिन मैं अपना बहुत कुछ इस कॉम्पिटिशन की वजह से हार चुका हूँ। तभी पॉल उस बात को खत्म करके गाओ से कहता है कि अच्छा देखो इस बैनर में जिस मास्टर शेफ की फोटो लगी हुई है वो मेरे आइडियल है। पॉल की बात को सुनकर गाओ हल्का सा मुस्कुराता है और पॉल को बताता है कि ये मेरे डैड है। पहले तो पॉल को विश्वास नहीं होता और वो गाओ से कहता है कि तुम इस बात पर मजाक करना बंद करो। फिर गाओ पॉल को समझाते हुए कहता है कि तुम समझते हो कि ये बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन्होंने मुझे मेरा पूरा बचपन बिना अपने डैड के गुजारने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही एक शेफ के पास छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा बचपन अपने फादर की यादों के सहारे गुजारा है। ये सुनकर पॉल उससे कहता है कि जो हो चुका उसमें हम क्या कर सकते हैं। तभी गाओ को मस्ती सूझती है और वो कहता है कि हम ये बियर की बोतल तो इस बैनर पर मार सकते हैं। पहले गाओ बियर की खाली बोतल अपने डैड के बैनर पर मारता है, उसके बाद यही काम पॉल भी करता है। ऐसा करके पॉल को बेहद अच्छा महसूस होता है और इन दोनों में यहाँ से दोस्ती की शुरुआत होती है। और ये सीन इस मूवी का काफी टची सीन होता है। जब पॉल को अच्छा फील होता है तो वो गाओ के साथ अपने रेस्टोरों वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसके रेस्टोरों का सौदा कर रहे होते हैं। तभी पॉल उनसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तब पॉल का एक दोस्त उससे कहता है कि तुम कुकिंग कॉम्पिटिशन में किसको अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा पार्टनर होना जरूरी है। तब क्या तुम अपनी उस फीमेल दोस्त को लेकर जाओगे। तो पॉल उससे कहता है कि मेरा दिमाग खराब नहीं है, जो मैं उसको लेकर जाऊंगा। अब मुझे पता है कि मुझे किसको कुकिंग कॉम्पिटिशन में अपने साथ लेकर जाना है, और वास्तव में वो डिजर्विंग है। और पॉल तभी गाओ का नाम लेता है कि वो उसके साथ इस कॉम्पिटिशन में जाएगा। ये सुनकर पॉल के धोखेबाज दोस्तों को काफी जलन होती है और वो कहता है कि तुम अपने करियर मिट्टी में मिला लोगे। जिसके बाद पॉल गुस्से में अपने सिर से अपने उस धोखेबाज फ्रेंड को हिट करता है और सब लोगों को अपने रेस्टोरेंट से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद गाओ के गार्जियन शेफ पॉल से पूछते हैं कि पॉल क्या तुम वाकई में चाहते हो कि गाओ तुम्हारे साथ उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे। तो पॉल गाओ के शोल्डर पर टैप करता है, जिसका मतलब ये था कि वो गाओ पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। और पॉल शेफ से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि गाओ डिजर्विंग है और ये मेरे साथ उस कॉम्पिटिशन में जरूर जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें पॉल गाओ को अपने मॉडर्न टेक्निक से खाना बनाना सिखाता है, तो दूसरी तरफ गाओ पॉल को अपने पुराने तरीके से खाना बनाना सिखाता है। इसी तरह से गाओ पॉल से कहता है कि अगर तुम्हारे टेस्ट वर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट वर्ड्स वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह साथ रहते और उस कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हुए इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। इसी तरह ये रोज न्यू डिशेज बनाते हैं और दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। डिश बनाते हुए ये दोनों डांस भी करते हैं। इसी तरह इनके ये दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। और अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उस कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इन्हें स्वीट डिश बनानी होती है। ये दोनों अपनी मेहनत से बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही खूबसूरत और एक डिलीशियस डिश बनाते हैं, जिसके बाद जजेस उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हमने इससे पहले इतनी टेस्टी डिश कभी भी नहीं टेस्ट की है। और ये दोनों इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं। इसके बाद कुकिंग कॉम्पिटिशन का थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। इस राउंड में गाओ के फादर के सामने ही खाना बनाना था और ये कॉम्पिटिशन कुछ दिन बाद होता है। पॉल गाओ से कहता है कि इस कॉम्पिटिशन में अब तुम पार्टिसिपेट करना ताकि तुम अपने फादर का सपना पूरा कर सको। तभी गाओ पॉल से कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छा और कम समय में खाना बनाते हो, इसलिए तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और तुम्हें ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहिए। लेकिन पॉल गाओ को इंसिस्ट करता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपने डैड को हराना चाहते हो तो तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत जाओ, वो भी अपने फादर को हरा कर। तभी तुम प्रूव कर पाओगे कि तुम उनसे बेहतर शेफ हो और उन्होंने तुम्हें बचपन में अलग रखकर तुमसे तुम्हारा बचपन छीना, जो कि बेहद ही गलत था। इसके बाद गाओ पॉल की बात मान जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। अब कंपटीशन का थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, जहां पर गाओ पार्टिसिपेट करता है। ये कंपटीशन गाओ और उसके फादर के बीच स्टार्ट हो जाता है। गाओ के फादर तो खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाओ अपनी ही जगह पर खड़ा होकर अपने बचपन की बातें सोचने लगता है कि किस तरह से उसके फादर ने उसे खुद से अलग कर दिया था और जहां पर उसे छोड़ा था वहां पर उसे बच्चे कितना ज्यादा बुली किया करते थे। उसे ऐसी हालत में देख गाओ के डैड उसके पास आ जाते हैं और उसके मुंह पर पानी डालते हैं, जिसके बाद गाओ अपनी डिश बनाना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ के फादर एक बहुत ही खूबसूरत स्वीट डिश बना रहे होते हैं, जिसमें एक तरफ आग लगी होती है और आग के अंदर से फूल निकल रहा होता है। जजेस जब उस डिश को टेस्ट करते हैं तो उन्हें बेहद पसंद आती है। अब बारी गाओ के डिश को टेस्ट करने की थी, तो वो बहुत ही सिंपल सी नूडल्स बनाकर अपने डैड के हाथ में दे देता है, जिसे देखकर उसके डैड को गाओ पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब डिश को टेस्ट किया जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं, वो नूडल्स बहुत ही टेस्टी होते हैं। दरअसल गाओ ने नूडल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि इन नूडल्स की वजह से ही उसके डैड ने बचपन में उससे कहा था कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते हो, जिस वजह से उन्होंने गाओ को अपने से दूर करके शेफ के पास भेज दिया था। ये बात गाओ के डैड को समझ आ जाती है और वो बेहद इमोशनल हो जाते हैं और नूडल्स को खाना ही नहीं छोड़ते।
इस तरह से गाओ अपने डैड को सबके सामने ये प्रूव कर चुका था कि वो सबसे बेस्ट सेफ है। कंपटीशन को जीतने के बाद पॉल और गाओ दोनों मिलकर एक रेस्टो चलाते हैं और अब कस्टमर्स भी बहुत तादाद में आते हैं। इसी तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।